मतलब जो टर्टल फेस्टिवल वगैरह होता है वो उस कोने में होता है आगे जाके। सो काशी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और इसका जो शेप है ना, इट्स लाइक अ शिवलिंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिहरेश्वर। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं आपको बताता हूँ हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो अभी जाते हैं, नीचे जाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपने अगले सफर के लिए निकलते हैं। सो गाइस, निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय। हम लोग जा रहे हैं अभी लोकल, एग्जैक्टली लोकल नहीं है, यहाँ से मतलब 50-60 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कितना काम है यहाँ पे। ये हाइट की वजह से महेश भाई को दिक्कत होती है क्योंकि ये बाइक काफ़ी ऊंची है, बहुत टॉल है। तो कल हमने यहाँ से खाना लिया था, यहीं पे खाना खाया था, जो फिश थाली वगैरह थी वो। ये बानकोटी हेट फेरी, हाँ फेरी सिटी, हाँ सर है ना, ओके। गाइस दिस इज ब्यूटीफुल। तो ये अभी हम जाएंगे जेटी पे। वो आ रही है हमारी फेरी सामने से, इसी पे हम हमारी बाइक लोड करेंगे। तो वो वहाँ से कहीं से आई है। तो गाइस बेसब सो गया यार ये। अभी हम जाएंगे फेरी में, जैसी ये गाड़ी है सब बाहर निकलती है, हम जाएंगे। ये थोड़ी बड़ी फेरी है। सो गाइस हम फेरी बोर्ड कर चुके हैं और ये ज़्यादा बड़ी फेरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस है, देख सकते हो आप। एंड द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, मतलब सुबह का वेदर है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। तो जब तक ये वेदर है इसका मज़ा लेते हैं। The boat has started, as in the ferry has started. ऐसे आप देख सकते हो बच्ची मजे ले रही है, मतलब उसका वो इतना बड़ा अच्छा ग्राउंड मिला है, वो भी समुंदर के बीचों बीच।
और हमारी काशी एकदम स्टाइल में खड़ी है। तो मैं भाई अभी तक का सफर कैसा था? अच्छा था, मजा आया। तो अगली बार कहाँ बताना है? अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहुंच चुके हैं दूसरे छोर पे। I don't know what's problem with this guy यार, the way वो चला रहा है। चलो आ चुके हैं, अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो नाश्ता एक्सप्लोर करना है क्योंकि बहुत भूख लगी है, चाय भी नहीं पिया यार। खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब अनलेस इट्स प्रॉपर टाउन कोई आता नहीं है ना तो मिलेगा नहीं आपको। वैसे छोटी मोटी शॉप्स है बट पता नहीं यार वहाँ पे क्या मिलता है क्या रहेगा। मैप लगा तो तुम भाई, मैप लगाते हैं सावली से ना, जरा मैप लगाते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। A few moments later. So guys, all set, अपना मैप लगा दिया है फॉर वेलास बीच विच इज शोइंग 15 मिनट्स, 6.3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो अभी पहले वेलास बीच जाते हैं और फिर पेट भर के खाते हैं, नहीं तो चक्कर आके गिर जाएंगे। ये मिरर्स, आई हेट इट। मेरी राइड अगर खराब हो गई है ना, वैसे तो अच्छी गई है बट जो भी दिक्कतें आई है बस ये मिरर्स की वजह से और कुछ नहीं। ये अप्रोच रोड काफी छोटा है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये जम्मू वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ये जो टेरेन है और जिस हिसाब से झाड़े हैं, आप शिवकुड़ी वगैरह जाते हैं तो ये ऐसी कुछ फील आता है। बस यहाँ पे आम के पेड़ है, वहाँ पे आम के पेड़ नहीं होते। बट द क्लाइमेट इज सुपर्ब, इट्स ब्यूटिफुल, द होल सिनारियो इज ब्यूटिफुल, बहुत मजा आ रहा है। सब देख सकते हो गाइस, ये छोटे छोटे गांव है और मतलब ये नॉर्थ वाली फीलिंग आ रही है मुझे। नो डाउट ये घरों का स्ट्रक्चर ये महाराष्ट्र के जैसा है बट अदरवाइज जो रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, मतलब घर बने हैं हिल्स पे, तो मुझे वो नॉर्थ वाला फीलिंग आ रहा है। तो क्लाइमेट भी अभी अच्छा है ना तो वो ऐड कर रहा है उसको। इस यहाँ से ब्रिज बनने वाला है, ये जब भी ब्रिज बनेगा यहाँ पे आने के लिए आसानी हो जाएगी, मतलब वो जो फेरी वेरी है ना उसको स्किप करेंगे। लेकिन ये ब्रिज का भी काम काफ़ी सालों से बन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखिए इस पर तो पूरी झाड़ियाँ आ गई है और ये जो रेडी मिक्स के ट्रक थे ये बनाने के लिए ये पूरे सड़ गए हैं। पता नहीं शायद से लोकल पॉपुलेशन ने उसके अगेंस्ट, मतलब जो फेरी का जो यूनियन रहेगा वो उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ किया रहेगा। ओके, सी दैट लाइट हाउस, छोटा सा है बट खूबसूरत है। फुल, मतलब और कुछ वर्ड ही नहीं है इस चीज के लिए, मतलब ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए आप जो भी जितने वर्ड्स है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी आप उसको है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये दूर तक ये रोड ऐसे ही जा रहा है समुद्र के किनारे से। फैमिलीज वगैरह मस्त मजे ले रहे हैं यहाँ पे, गुड, दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी। गाइस अब देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन, मतलब झाड़ियाँ हैं ये बीच से, ये पतली सड़क जा रही है और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। सुपर, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग है ना ऐसे कहीं जाते नहीं है इसके लिए हमको मालूम नहीं, बस हम ऐसे एक परफेक्ट लोकेशन जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सब टूरिस्ट के लिए सब कुछ किया गया है,
पूरी मॉडर्न एमिनिटीज दी गई है। अगर हमको मॉडर्न एमिनिटीज ही चाहिए तो हमको तो घर पे बैठना चाहिए, आराम से बाहर निकलना नहीं चाहिए। गाइस हमने अभी यू टर्न ले ली है क्योंकि आगे ये कहीं पे भी नहीं जा रहा रोड, मतलब कहीं तो जा रहा है बट लेकिन हमारी काम की जगह नहीं है वो। हमको जो पीछे ही रुकना था वही बीच है, तो चलो कोई नहीं, इसी बहाने ये रोड तो देख लिया। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो गाइस ये जो सी टर्टल फेस्टिवल होता है वेलास में, वेलास इज फेमस फॉर द सी टर्टल, उनके लिए कंजर्वेशन एरिया बनाया और ये रोड है, यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। बाइक वहाँ पे नहीं जाती है, आपको चल के जाना पड़ेगा और जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए वो ट्री लाइन है ना सामने, वहाँ तक जाना पड़ेगा और वहीं से बीच है। तो हम सोच रहे हैं कि जाए नहीं जाए, क्या है ना सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो दिक्कत ये है कि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है और अभी ताकत नहीं बची है कि वहाँ पे जाए, रिटर्न आए बाद में खाना ढूंढे। और आते आते हमको कुछ दिखा भी नहीं ढंग का जहाँ पे हम लोग कुछ खा सकते हैं। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं और कुछ खाते पहले। सो गाइस अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तो दिस इज द प्लेस, मैं दिखाता हूँ आपको, दिरपकर होम स्टे। तो अभी जो आपने रूम का टूर मैंने दिया था, आप मैं देखने गया था इनके पास रूम भी है एंड दे जस्ट चार्ज वेरी नॉमिनली 300 रुपीज़ पर हेड, चार पांच लोग अगर आप रहते हो, छः सात भी लोग। हमने देखा बीच का जो हॉल बड़ा था और अंदर एक बेडरूम भी था, दो अटैच्ड बाथरूम्स है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मेन है ये लोकेशन, द लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शांत पीसफुल। दे ऑल्सो सर्व यू फूड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये उनका नंबर है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द स्टे एंड द फूड की अवेलेबिलिटी के लिए। आई एम टेलिंग यू अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो पूरा रास्ता है ब्यूटीफुल, बीचेस, द फॉरेस्ट, द हिल्स, बहुत सही है। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, बहुत लाजवाब ब्रेकफास्ट था। हमको मिले घावणे, जो कल मैंने आपको दिखाया था घावणे और चटनी, लेकिन इनके घावणों की बात ही कुछ और थी, इसमें ज़्यादा पोर्स थे, मतलब वो अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ था इसीलिए वो अच्छा था इतना। और हमने खाया साथ में कांदे पोहे, जो एकदम ट्रेडिशनल कांदे पोहे होते हैं ना, जिसमें पीनट्स होते हैं, कोरिएंडर होता है, आपका नारियल मतलब कोकोनट का क्रस्ट रहता है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं बानकोट फोर्ट, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे यहाँ से, तो चलो फिर मिलते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बानकोट फोर्ट, हिम्मतगढ़ बोलते हैं उसको, विच इज़ लाइक 3.9 किलोमीटर यहाँ से, 8 मिनट दिखा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने महेश भाई थोड़े आगे निकल गए, सो गाइस दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेलास बीच, मतलब जो टर्टल फेस्टिवल वगैरह होता है वो उस कोने में होता है आगे जाके, और आप देख सकते हो रियली ब्यूटीफुल। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, थोड़े फोटोज़ वगैरह निकाले, फिर यहाँ से चलेंगे। सो काशी इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो गाइज आपने ठीक सुना, काशी के कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब वेरी सून आई एम गोना अपग्रेड। व्हाट आई एम गोना अपग्रेड मैं आपको बताऊंगा, अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ परफेक्ट बाइक फॉर मी, एज इन परफेक्ट बाइक फॉर मी एज इन मेरा जो राइडिंग स्टाइल है, जो जिस टाइप के मैं डेस्टिनेशंस करता हूँ, जो डिस्टेंस कवर करता हूँ, उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छी बाइक। तो कौन सी रहेगी मुझे मालूम नहीं है, बट वेरी सून विल कम टू नो। आई एम नॉट श्योर इफ एम गोनू कीप काशी या नॉट, बट या एक थाट प्रोसेस है कि भाई इसको भी होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेर आई स्टार्टेड एवरीथिंग, तो उसको मैं कैसे छोड़ूँ। लेकिन यू नो देर आर बजट कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो, तो वो सब देखना पड़ता है। शादीशुदा इंसान हूँ, दो बच्चे हैं जिनका स्कूल कॉलेज वगैरह भी चल रहा है, तो देखते हैं हाउ, लेट्स सी भगवान जी हमारी मदद कैसे करते हैं इस चीज़ में। लेकिन आप हमें फॉलो करना ना भूलिए, हमारे वीडियोज़ पूरे देखिए, कमेंट्स कीजिए, इसके वजह से है ना आपका कोई नुकसान नहीं है, हाँ लेकिन मेरा जो ये शौक है या तो ये जो मैं राइड्स करता हूँ इसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं आगे, आगे हम जा रहे हैं अभी बानकोट फोर्ट।
सो गाइस आप देख सकते हो चढ़ाई। ये खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, बस मजा है। दिस इज द बाइकर्स के लिए एकदम परफेक्ट है ये, मतलब जो टर्न्स है, ट्विस्टीज है, जो चढ़ाई है, उतार है, और जो सी है एंड द सैंड, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर बाइकर्स। इनफैक्ट सबके लिए सही है, लेकिन बाइकर्स इसका सबसे ज़्यादा मजा लेते हैं, और यही है एरियाज जहाँ पे आपका स्किल डेवलप होता है। सो गाइस वी हैव रीच्ड द फोर्ट, सो दिस इज हिम्मतगढ़, इसको बानकोट का फोर्ट व्यू कहते हैं क्योंकि बानकोट इस एरिया का नाम है। ये एंट्री कहाँ से मुझे मालूम नहीं है, बट यस वी हैव रीच्ड देयर। हेलो, सो गाइस दिस इज द फोर्ट। बाइक यहाँ तक आती है विच इज़ अ गुड थिंग, और ये यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, पूरा समंदर। तो गाइस आपने कुछ नोटिस किया, दैट इज हरिहरेश्वर, और इसका जो शेप है ना, इट्स लाइक अ शिवलिंग। सो ये शिवजी का स्थान है और इसका शेप भी शिवलिंग जैसा है। मुझे ये मालूम नहीं था, ये लोग किसी लोकल ने मुझे अभी बताया कि आप देखो वो शिवलिंग का शेप है। और हम जो उस कल जो वहाँ पे घूम रहे थे ना, वो जो कॉर्नर है, देखिए ये जो सेंटर में अभी दिख रहा है आपको, हम लोग यहीं पे कहीं पे थे जो कल फोटोग्राफी कर रहे थे शाम को। इस वी आर एंटरिंग द फोर्ट नाउ। तो ये हिम्मतगढ़ है, इसको बानकोट का फोर्ट भी बोलते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही लग रहा है, बट आई डोंट नो वहां से कुछ एंट्री रहेगा तो कहाँ पे जाते हैं ये। तो चलो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। आपको ये फोर्ट देख के कुछ याद आ गया क्या? यस, लखपत कच्छ में हम लोग गए थे, लखपत कुछ ऐसे ही था। तो ये गाइस यू नो आपको मालूम है क्या, ये कैनियन है, तो इसने जरूर बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी रहेगी। ये बहुत पुराना है, एंड ये जो क्राउन है दिस इज इंग्लिश, और यहाँ पे नंबर चले गए तो कुछ तो रहेगा इसका ईयर वगैरह। तो ये क्राउन है, ओ 1797, सो दिस इज 1797 का कैनियन है। सो गाइस यहाँ से देखिए व्यू, ब्यूटीफुल। सो गाइस ये फोर्ट की पीछे वाला हिस्सा है, ये पूरा प्लेटू है पीछे। अपने महेश भाई लगे पड़े हैं फोन पे, नेटवर्क आया, क्या बात है, देखो उनके चेहरे की खुशी देखो नेटवर्क आने के बाद। ये होता है अगर दो दिन आप बिना नेटवर्क के हो, और अगर नेटवर्क आ जाए मतलब ऐसा लगता है कि खजाना हाथ लग गया, पैसा ही पैसा हो गया। सो गाइस ये इस तरफ वाला हिस्सा है, मैंने बोला था ना यहाँ से कहीं से एंट्री था, और वो इस तरफ खुलता है। सो गाइस आपने फोर्ट देखा, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत खूबसूरत था, मतलब जो अपकीप है बहुत अच्छी तरह से रखा गया अभी भी। तो अभी हम पी रहे हैं कोकम शरबत, तो आपको मालूम है कोकम इज़ अ स्टेपल टू द कोंकण रीजन, और आप ये पियोगे पूरा रिफ्रेशिंग, मतलब आपको वो रेड बुल मॉन्स्टर ड्रिंक वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अपना देसी मॉन्स्टर ड्रिंक, चलो इसको पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। सी फूड रेस्टोरेंट, आप भीड़ देख सकते हो कितनी यहाँ। सो गाइस ये हमारी जितड़ा थाली आई है,